नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, टैली प्राइम और टैली ERP में अभी भी काफ़ी ऐसे कुछ कंफ्यूजन है कि टैली ERP पे काम करना चाहिए या टैली प्राइम पे। ऑब्वियसली नया अपग्रेडेड वर्जन टैली प्राइम आ चुका है और काफ़ी समय तक, लेकिन कुछ अभी भी जो टैली ERP पे काम कर रहे हैं वो टैली ERP पे ही कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी उस टैली ERP के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, उनको सारे फंक्शंस प्रॉपर पता है, कौन से फंक्शन कैसे, उनका एक तरह से कहते हैं उनका की कमांड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है। जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इस परिवर्तन संसार का नियम है। तो ऑब्वियसली आज अगर नया कोई वर्जन आया है तो हमें उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, का नियम है। जैसे जैसे चीजें समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, हम अपने आप में भी चेंजेस लाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स भी, मार्केट भी चेंज होता रहता है और हमें चेंज के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। उसको चेंज कहिए, अपग्रेड कहिए, हम अपग्रेड कहते हैं। तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और टैली प्राइम टैली का ही सॉफ्टवेयर है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप उसको इजीली अगर प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली तो वो आपको टैली प्राइम टैली ERP से भी ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा। और आगे चल करके धीरे धीरे टैली प्राइम ही चलने वाला है जब तक कि और कोई उनका वर्जन टैली का लॉन्च हो। जैसे कि पहले के टाइम पे आपको ध्यान में होगा टैली 3.2, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 9, फिर टैली ERP, ऐसे करके टाइम टू टाइम आए और हम टैली ERP पे काम कर रहे थे। तो हमने टैली ERP भी, ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, उस पर भी हम जिस तरह टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो टैली ERP भी आप काम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है कि हाँ, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो हमें भी अपग्रेड होना चाहिए और नए वर्जन पे जंप करना चाहिए। आप एक मान लीजिए, जैसे पहले के टाइम में हम CDs पे मूवीज देखते थे, VCR होता था, फिर CD प्लेयर्स आए, CD अपन रिकॉर्ड करके मूवीज देखते थे, फिर बाद में DVDs आई, DVDs के बाद में पेन ड्राइव्स आए, पेन ड्राइव के बाद आजकल हम मूवी कैसे देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोबाइल पे ही मूवी देख लेते हैं, चाहे वो YouTube हो या और कोई भी XYZ, जैसे Amazon का हो गया सब्सक्रिप्शन, किसी ने ले लिया, किसी ने Netflix का ले लिया। तो आजकल जैसे जैसे लाइफ बदल रही है तो चीज़ें भी उस हिसाब से चेंज होती आ रही हैं। तो आगे नहीं पीछे, हमें आगे चल करके टैली प्राइम पर ही मूव होना है, तो क्यों ना अभी से ही। साथ ही साथ आप टैली ERP भी काम करते रहिए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को टैली प्राइम पर भी आप मूव कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो टैली पे रिलेटेड सारे टैली प्राइम पे ही हैं। मैं आपको वीडियोस भेजता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। मेरा पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको टैली बताता जाऊँगा। और अगर टैली ERP में भी अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको टैली ERP पे भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे बाकी जो वीडियोस है टैली प्राइम पे, उनमें जो भी सब्जेक्ट पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।